नमस्कार, दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। जिस खबर से सबसे पहले हम आपको खबरदार करने वाले हैं वो ये है कि कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक का हाफिज सईद से कनेक्शन सामने आया है। जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF का जिक्र जमात उद दावा की वेबसाइट पर है। जमात उद दावा हाफिज सईद का आतंकवादी संगठन है जिसे लश्करे तैयबा के नाम से भी जाना जाता है। जमात उद दावा की वेबसाइट पर जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े लिंक दिए गए हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर नाइक हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के डोंगरी इलाके में है। आज तक के संवाददाता गौरव सावंत ने जाकिर नाइक और हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा के कनेक्शन की ये पड़ताल की है। जमात उद दावा पाकिस्तान में एक आतंकी संगठन है, लश्कर ए तैयबा का दूसरा नाम। आतंक का आका हाफिज मोहम्मद सईद, जो 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड था, वो इस संगठन को चलाता है, जमात उद दावा पाकिस्तान। अगर इंटरनेट पर आप जमात उद दावा की वेबसाइट पे जाइए और इसको खंगालिए तो साफ नजर आता है कि इसी वेबसाइट में IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का भी जिक्र है। अगर आप उसको क्लिक कीजिए तो क्या निकल कर आता है? इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी ये संगठन है डॉक्टर जाकिर नाइक का। और डॉक्टर जाकिर नाइक का ये संगठन आखिर क्यों, सवाल यहां उठता है कि ये जमात उद दावा से लिंक किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 26/11 के आतंकी हमले के बाद भी इन दोनों संगठनों में जुड़ाव जो था वो बरकरार रहा। और अब न केवल खुफिया विभाग बल्कि महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस भी इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर क्यों आतंक के सबसे बड़े आका हाफिज सईद का संगठन डॉक्टर जाकिर नाइक के संगठन से जुड़ा था। इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि जो मुंबई में 2006 में आतंकी हमले हुए थे, ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, उसमें लगभग 190 लोग मारे गए थे, लश्कर का हाथ था, राहिल शेख जो उसका मास्टरमाइंड था वो डॉक्टर जाकिर नाइक से खासा प्रभावित था। ढाका के जिहादी ही नहीं बल्कि मलवानी के जिहादी, हैदराबाद के जिहादी और ग्लासगो और न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले के जिहादी भी इसी संगठन और इसी डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रभावित थे। इसकी अब एजेंसीज पड़ताल कर रही हैं। गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। खबरदार में कल हमने कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को डीकोड किया था, जिसके फैन थे 1 जुलाई को ढाका में 22 लोगों को मारने वाले वो आतंकवादी जो कुरान की आयतें सुन सुनकर बेगुनाहों का गला रेत रहे थे। कांग्रेस के एक बड़े नेता दिग्विजय सिंह भी जाकिर नाइक के फैन निकले हैं। आज तक के पास 4 वर्ष पुराना 2012 का एक वीडियो है जिसमें जाकिर नाइक के साथ उनके मंच पर दिग्विजय सिंह भी दिख रहे हैं और वो जाकिर नाइक को दुनिया का शांति दूत बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ओसामा बिन लादेन को लादेन जी, हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कह चुके हैं, इसीलिए जाकिर नाइक को शांति दूत बताना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि क्या जाकिर नाइक को इतने वर्षों तक अपनी कट्टरपंथी सोच को फैलाने के लिए उस सिस्टम का सहारा मिला जिसमें सिस्टम में दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव रह चुका है। जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। हर मुस्लिम को दहशतगर्द होना चाहिए। कुरान कहता है कि बुरे लोगों के दिल में दहशत पैदा करो। इस मुल्क के उन हलकों में भी जाएं जहां फितरती लोग, हम 1000 साल से ज्यादा रहते हुए हिंदू मुसलमानों में जो खाई पैदा करते हैं उस पे पुल बनाने का काम डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन मजहब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मजहब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस्लाम से बेहतरीन मजहब है ही नहीं। मैंने बहुत किताबें धर्म की नहीं पढ़ी, डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। You can't kill innocent human being. It's haram in Islam according to Surah Maidah chapter 5 verse 2. In some cases, some scholars give permission. It can be done.
जो ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी ना मानता हो, जो हर मुस्लिम के लिए दहशतगर्द होना जरूरी बताता हो, जो फिदायिन हमलों को कुछ धार्मिक छूट से सही ठहराता हो, शांति का संदेश, उसे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह दुनिया का शांति दूत बता रहे हैं। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह का 26 सितंबर 2012 का एक वीडियो जिसमें वो जाकिर नाइक के फैन बने दिख रहे हैं। वो जाकिर नाइक जिसके फैन थे ढाका के वो हमलावर आतंकवादी जो होली आर्टिसन बेकरी में 1 जुलाई की रात को कत्लेआम कर रहे, जो कुरान की आयतें सुना रहे थे उन्हें छोड़ दिया और जो नहीं सुना पाए उनको गोली मार कर गला रेत दिया। एक ढाका के हमलावर थे जो जाकिर नाइक के फैन थे, एक दिग्विजय सिंह हैं जो जाकिर नाइक के पुराने चाहने वाले निकले। जब वो उनकी तारीफ उनके शब्दों के लिए कह रहे हैं उस समय दिग्विजय जी, तो उनको आज ये तो जवाब देना पड़ेगा कि जो जाकिर नाइक के बयान जो आज पेपर में छपे हैं तालिबान के लिए जस्टिफिकेशन, महिलाओं के प्रति उनके कैसे सोच है, तो इस पर भी तो कहना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जाएगा कि दिग्विजय जी उनकी पूर्ण सोच पे उनके सहमत हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह तो आतंकवाद और आतंकवादियों के एक दूत के रूप में भारत में काम कर रहे हैं। दूसरा, दिग्विजय सिंह को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। 4 साल पुराना वीडियो सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह सफाई दे रहे हैं और इस तरह से बचाव करते हुए चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर जाकिर नाइक के खिलाफ सबूत हैं तो भारत और बांग्लादेश जांच करें। लेकिन सवाल यह है कि जाकिर नाइक पर जब ब्रिटेन से लेकर कनाडा और मलेशिया तक बैन लगा था तो भारत में दिग्विजय सिंह जैसे नेता उसके मंच पर जाकर क्यों उसे शांति का दूत बता रहे थे? कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। वो शिद्दत प्रस्त है। जाकिर नाइक को पिछले 10 वर्षों से अपनी कट्टरपंथी सोच के प्रचार की छूट क्या इसलिए दी जा रही है और क्या इसलिए कि जाकिर नाइक पर बैन नहीं लगाया गया कि दिग्विजय सिंह जैसे पावरफुल नेता उसके साथ मंच साझा करते थे और उसे शांति का दूत बताकर उसकी वाहवाही करते थे। दिग्विजय सिंह और जाकिर नाइक का आज पूरे देश भर में विरोध हुआ है। He does not know meaning of the Quran, so I request you please ban to Peace TV. He is a person of the Salafi, or Salafi is a group of terror. जो लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कितना भी कहें कि हम मजहब के लिए कर रहे हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दिग्विजय सिंह ही क्यों, दिग्विजय सिंह के शांति दूत जाकिर नाइक के समर्थन में एनसीपी के नेता मशहूर वकील माजिद मेमन और मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट तक देखे जा चुके हैं। आज तक के पास 16 जून 2010 का वो वीडियो है जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस जाकिर नाइक की वकालत करने के लिए माजिद मेमन और महेश भट्ट आए थे, जिस जाकिर नाइक को उस वक्त ब्रिटेन में प्रतिबंधित कर दिया गया था और वीजा देने से मना कर दिया गया था। कि क्या जाकिर साहब अपनी प्रीचिंग के जरिए कोई गलत काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है, न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी जांच करनी चाहिए, इन द सेंस कि जाकिर नाइक इज़ द बेस्ट पर्सन, वो उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकते कि उनसे पूछा जाए। जब इस तरह से दिग्विजय सिंह, माजिद मेमन जैसे नेता और महेश भट्ट जैसे मशहूर फिल्मकार एक कट्टरपंथी सोच वाले जाकिर नाइक को शांति दूत बताएंगे और उसका समर्थन करेंगे तो फिर उसे कोई सिस्टम कैसे रोक सकता है? जाकिर नाइक की स्पीच को देखने वाले चैनल पीस टीवी पर भारत में बैन लगा, लेकिन ये चैनल दुबई से चलाकर आज भी भारत के कई हिस्सों में दिखाया जा रहा है। देखिए, गृह मंत्रालय इसको अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद सही निर्णय करेंगे। जो उनका जो भाषण है और जो अखबारों में आ रहे हैं बहुत आपत्तिजनक है, इसके बारे में अच्छा होगा गृह मंत्रालय उसको अध्ययन करके सही कदम उठाए। ढाका हमले के बाद बांग्लादेश ने भी भारत से जाकिर नाइक के भाषणों की जांच करने की गुहार की है। NIA जाकिर नाइक के सऊदी अरब से भारत आने का इंतजार कर रही है।
लेकिन जिस तरह से जाकिर नाइक के भाषणों से कट्टरपंथी सोच सामने आ रही है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो व्यक्ति ब्रिटेन कनाडा में प्रतिबंधित हो, जिसका नाम मलेशिया में 16 प्रतिबंधित इस्लामिक धर्म गुरुओं में, उसे भारत में कैसे सिस्टम की कृपा मिल रही थी। आज तक ब्यूरो। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जाकिर नाइक के खिलाफ मुंबई पुलिस को जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के ऑर्डर दिए हैं। जाकिर नाइक की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में उसके कट्टरपंथी विचारों के खिलाफ कई शिकायतें आ चुकी हैं। इन्हीं शिकायतों की वजह से पिछले 2 वर्ष से जाकिर नाइक की सार्वजनिक सभाओं और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगी हुई है। लेकिन जाकिर नाइक सिस्टम की कृपा से पिछले कई सालों से अपनी कट्टरपंथी सोच करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में लगा है, जिसका नतीजा था 1 जुलाई को बांग्लादेश में हुआ आतंकी हमला, जिसके हमलावर जाकिर नाइक से प्रभावित थे। आज हफ्ते भर के अंदर बांग्लादेश में दूसरा आतंकी हमला हुआ है। बांग्लादेश ने भारत से एनएसजी की टीम भेजने को कहा है। खतरा बड़ा है, जिससे निपटना सिस्टम की बड़ी चुनौती है। पिछले शुक्रवार को ढाका में आतंकवादियों ने 22 लोगों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी। अगला शुक्रवार भी नहीं आया, 7 दिन के अंदर बांग्लादेश के एक और इलाके किशोरगंज में ईद के दिन बम धमाकों और फायरिंग से 4 लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश का कहना है कि ये सब आतंकवादी उसी की जमीन के हैं, जिनको कट्टरपंथ की डोज देकर ब्रेन वॉश किया गया और इनके हाथों में बंदूक थमा दी गई। इन्हें कट्टरपंथ की खुराक जिससे मिल रही है, उसे भारत के कुछ नेता शांति दूत बताते रहे। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। जाकिर नाइक के धर्म प्रचार के तरीके को कल हमने खबरदार में डीकोड किया था, आज ये भी देख लीजिए, जिसे शांति दूत बताकर दिग्विजय सिंह जैसे नेता उनके फैन बने हुए हैं, वो शांति दूत दूसरे धर्म के बारे में कैसी कैसी बातें करता है। पहला जानवर जो उनके नजदीक आता है वो होता है हाथी, तो हाथी गर्दन काटते और शिवा के पास ले गया, तो शिवा इस हाथी की गर्दन को, इस हाथी की मुंडी को अपने बेटे के ऊपर लगाता है और वजूद में आता है गणेश गणपति। मैं कहूंगा ये आपका भगवान है, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो माइथोलॉजी, ये तो कहानी है, छोड़ना। अरे बट मुझे प्रसाद खाने का है, आप साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है। ये कैसा शांति दूत है जो दूसरे धर्मों को कमतर बताने, मजाक उड़ाने, एक तरह से नफरत करने और दूसरे धर्म से दूर रहने की बात करता है। ये कैसा शांति दूत है जो लादेन जैसों को आतंकवादी नहीं मानता। ये कैसा शांति दूत है जो युवाओं को धर्म की कट्टरपंथी सोच के उस रास्ते पर ले जाकर छोड़ देता है, जहां से आगे जाकर युवा बंदूक उठा लेते हैं। जाकिर नाइक के भाषण से अगर वो लोग उससे मुतासिर हुए हैं तो इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करना चाहिए और इसकी जो गतिविधियां हैं रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जाकिर नाइक पर मुंबई पुलिस को पूरी पड़ताल करने को कहा है। NIA और IB की टीमें भी जाकिर नाइक के भाषणों को सुन रही हैं। इसी बीच इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद जाकिर नाइक की सफाई भी आई है। If they give the full context, no one in the wildest dream will ever think that I am promoting terrorism. This is what they do. They quote out of context and they malign me to get a better mileage. लेकिन सवाल यही है कि जब जाकिर नाइक के भाषण युवाओं को कट्टरपंथ के रास्ते पर बढ़ा रहे हैं और उन्हें बंदूक थमा रहे हैं, तो फिर जाकिर नाइक पर इतने वर्षों तक सिस्टम का ध्यान क्यों नहीं गया? और अब जब बांग्लादेश के हमलावरों के जाकिर नाइक कनेक्शन के खुलासे हो चुके हैं, तो जाकिर नाइक पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? कार्रवाई जो भी करना है वो कार्रवाई होने से आपको पता चलेगा कि सरकार कितना गंभीरता से इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई घोषणा करूं, ये अच्छा नहीं रहेगा। जाकिर नाइक बांग्लादेश में काफी पॉपुलर है। वहां हाल के दिनों में इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते पर हत्याएं और आतंकवादी हमले हुए हैं। वो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी चिंताजनक है। बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पर भारत से NSG की एक टीम बांग्लादेश जा रही है, जहाँ वो 1 जुलाई को ढाका और आज के किशोरगंज के हमले के तरीके को समझेगी। खतरा बड़ा है, इसे जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आज तक ब्यूरो। जननी होती है, ट्रैफिक जाम पूरी दुनिया की समस्या है,
इसीलिए आवश्यकता है कि किसी ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आविष्कार हो जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिले। खुशखबरी यह है कि चीन के इंजीनियरों ने ट्रैफिक जाम से निपटने में कारगर स्ट्रैडलिंग बस का आविष्कार कर दिया है। बीजिंग की कंपनी ट्रांजिट एक्सप्लोर बस ने स्ट्रैडलिंग बस का मॉडल तैयार किया है जो कारों के ऊपर से गुजरते हुए आगे बढ़ेगी। ये बस इस तरह से चलेगी जैसे कोई पैर फैलाकर चल रहा हो। इससे न तो कार चलाने वालों को कोई दिक्कत होगी, न ट्रैफिक की कोई समस्या होगी, यानी सड़कों पर कितना भी भारी जाम लगा हो ये बस वाहनों के लंबे लंबे जाम के ऊपर से गुजर जाएगी। सोचने में यह बात गले नहीं उतरती लेकिन यह सच है। और अब तो चीन में स्ट्रैडलिंग बस को चलाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस बस को तैयार करने वाले इंजीनियरों का दावा है कि एक साल में स्ट्रैडलिंग बस चीन की सड़कों पर चलने लगेगी। जब ऐसा होगा तो कैसे चीन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आएगा इसका अच्छा खासा अंदाजा आपको हमारी यह रिपोर्ट देखकर लग जाएगा। जल्द ही चीन की सड़कों पर ऐसी बसें दौड़ती नजर आएंगी जिनके पहिए सड़क के दोनों किनारों पर होंगे और बस के नीचे इसी तरह से बाकी ट्रैफिक दौड़ता भागता रहेगा। चीन की स्ट्रैडलिंग बस का डिजाइन पहली बार साल 2010 में दुनिया ने देखा। तब टाइम मैगजीन ने साल के 50 बेहतरीन आविष्कारों में इसको शामिल कर लिया। जून 2016 में एक बार फिर बीजिंग के इंटरनेशनल हाईटेक एक्सपो में स्ट्रैडलिंग बस की नुमाइश हुई तो हर किसी की नजर बस इसी बस पर टिकी रही। चीन के भविष्य की इस बस की खासियतें क्रिएटिविटी का शानदार उदाहरण है। इस ट्रांजिट बस का डिजाइन अंडरपास की तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये जाम में फंसे बिना गुजर सके। स्ट्रैडल बस रोड पर बने फिक्स ट्रैक पर ही चलेगी जैसे ट्राम चलती है। सड़क पर चलते हुए ये बस एक सबवे की तरह दिखेगी जिसके नीचे से कारें और मोटरसाइकिलें आराम से निकल जाएंगी। इस बस में एक बार में 1200 यात्री सफर करेंगे। चीन का दावा है कि वो एक साल में इस बस के लिए पहला ट्रैक तैयार कर लेगा और फिर चीन की सड़कों पर ऐसी बसें चलने लगेंगी। The biggest advantage is that the bus will save lots of road space. It was the same function as the subway. Manufacturing and construction time are also much shorter than that for the subway. Our first test bus is planned to be put on track in North China's Qinhuangdao City at the end of July or in August. चीन के भविष्य की इस बस की एक खासियत ये भी है कि बस सोलर पावर से चलेगी जिससे हर साल 2480 टन कार्बन एमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन बचाएगी। दावा है कि एक स्ट्रैडलिंग बस हर साल 800 टन ईंधन की बचत करेगी। स्ट्रैडलिंग बस की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। स्ट्रैडलिंग बस में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है ताकि उसके नीचे से गुजरने वाले वाहनों को कोई परेशानी ना हो। बस में ऐसे इंडिकेटर लगे हैं जो नीचे चल रहे वाहनों को रेड लाइट होने की जानकारी देंगे। बस को जब मुड़ना होगा तो इंडिकेटर देखकर वाहन रुक जाएंगे। कोई वाहन अगर बस के बेहद करीब चल रहा होगा तो अलार्म से अलर्ट मिलेगा। बस में ऐसे सेंसर भी लगे हैं जो उसकी पटरियों पर आई रुकावटों को सेंस कर लेगा और बस में अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए बस में इमरजेंसी स्लाइडिंग डोर भी बने हैं जो हवाई जहाजों में होते हैं। जानकार मानते हैं कि जिन रूट्स पर स्ट्रैडल बस चलेगी वहां ट्रैफिक कंजेशन यानी यातायात का दबाव 20-30% कम हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। चीन के लिए स्ट्रैडलिंग बस कितना क्रांतिकारी आविष्कार साबित हो सकती है इसका पता साल 2015 में आई डच नेविगेशन कंपनी की स्टडी से चलता है जिसमें कहा गया है कि दुनिया के 50 सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन वाले शहरों में से एक तिहाई सिर्फ चीन में है।
चीन में लाइसेंस होल्डर ड्राइवर्स की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा है। ये संख्या अमेरिका की कुल आबादी के करीब करीब बराबर है। चीन के लोग एक साल में औसतन 9 दिन का वक्त जाम में फंसकर गंवा देते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में ट्रैफिक जाम की वजह से सालाना 11 अरब 30 करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। बीजिंग में ट्रैफिक जाम इतनी बड़ी समस्या है कि कारों की एवरेज स्पीड सिर्फ 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन में ट्रैफिक जाम आम बात है, लेकिन कई बार चीन में ट्रैफिक जाम की तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर अक्टूबर 2015 की है, जब चीन के बीजिंग हांगकांग मकाओ एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया था। दरअसल चीन के करीब 75 करोड़ लोग यानी आधी आबादी नेशनल डे का एक हफ्ते लंबा सेलिब्रेशन मनाकर अपने घर लौट रहे थे, तो चीन के इस एक्सप्रेसवे पर लाखों गाड़ियों की लाइन लग गई। वैसे दुनिया के सबसे लंबे ट्रैफिक जाम का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी चीन के नाम है। चीन में अगस्त 2010 में इतिहास का सबसे लंबा जाम बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे पर लगा था, जब 100 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी और लोग हफ्ते भर तक उस ट्रैफिक जाम में फंसे रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि चीन में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए स्ट्रैडलिंग बस जैसे आविष्कार की कितनी सख्त ज़रूरत थी, जो अब पूरी होने वाली है। वैसे स्ट्रैडलिंग बस का आविष्कार सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रांतिकारी सुधार ला सकता है। भारत के लिए तो यह आविष्कार और भी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या चीन से ज़्यादा न सही तो कम भी नहीं है।